अधर्म पर धर्म की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय, बुरे पर अच्छे की जय जयकार, यही है दशहरे का त्योहार। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुविचार कोश में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है दशहरे के त्योहार पर एक बहुत ही खूबसूरत निबंध। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल सुविचार कोश को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा देश भारत पर्वों का देश है। यहाँ दशहरा या विजयदशमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार भारतीय संस्कृति के वीरता का पूजक तथा शौर्य का उपासक है। आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाने वाला दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दशमी को विजया दशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा पर्व को मनाने के लिए जगह जगह बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। यहाँ लोग अपने परिवार दोस्तों के साथ आते हैं और खुले आसमान के नीचे मेले का पूरा आनंद लेते हैं। मेले में तरह तरह की वस्तुएं, चूड़ियों से लेकर खिलौने और कपड़े बेचे जाते हैं। इसके साथ ही मेले में व्यंजनों की भी भरमार रहती है। इस दिन रामलीला का भी आयोजन होता है। रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा अथवा विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाता है और दुर्गा पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा, शस्त्र पूजन, हर्ष उल्लास तथा विजय का पर्व है। रामलीला में जगह जगह रावण वध का प्रदर्शन होता है। हमें माँ दुर्गा की तरह बुराइयों का अंत करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहना चाहिए। कभी भी बुराइयों के आगे नहीं झुकना चाहिए और भगवान राम के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा शांत रहना चाहिए और हमेशा सत्य का मार्ग ही अपनाना चाहिए। बुराई को खुद से और इस देश से दूर भगाओ, अच्छाई को अपने जीवन में अपनाओ, रावण को जलाओ और भ्रष्टाचार मिटाओ, प्रगति के पथ पर भारत देश को आगे बढ़ाओ। थैंक यू।